वेलकम, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में, स्टी विथ मी में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैकेंसी आ रखी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में मथुरा रिफाइनरी में, मथुरा डिवीजन में, मतलब मथुरा में आपकी जॉब रहेगी। मथुरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, आगरा मथुरा आपने सुना होगा, जो हमारे वृंदावन सरकार कहते हैं ना, राधे श्याम जी की, उनकी नगरी मथुरा मानी जाती है। तो वहाँ वैकेंसी आ रखी मथुरा रिफाइनरी में। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरीथिंग इस वैकेंसी से रिलेटेड। मथुरा डिवीजन आप देख सकते हैं, मथुरा रिफाइनरी में आपकी वैकेंसी है, ठीक है। और रिफाइनरी आपका डिवीजन रहेगा और वैकेंसी किसमें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL जिसे कहते हैं, प्यार से इंडियन ऑयल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके जो फॉर्म है वो शुरू कब से, ये मोस्टली डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो लोग इसके वैकेंसी के लिए देख सकते हैं, ठीक है। जैसे पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा आपने कर रखा हो या किसी अन्य इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके शुरू कब से, 7 जनवरी से शुरू है, ख़त्म है 28 जनवरी को, ठीक है। और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका फॉर्म भर सकते हैं, www.iocl.com पर जाकर, ठीक है। और रिटर्न टेस्ट जो है ना, फरवरी 2019 में आपका रिटर्न टेस्ट हो सकता है। इसकी जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, देखो IOCL वगैरह ये एक नामी गिनामी कंपनियां हैं, ठीक है। तो ग्लोबल 500 की एक लिस्ट बनाई जाती है, ये देखिए ग्लोबल 500 जो होती है उसके अंतर्गत ये कंपनी आती है, मतलब कि एक बड़ी बेहतरीन कंपनी है। आपको हर सुविधाएं एज वेल एज, जैसे गवर्नमेंट जॉब में आपको सुविधाएं मिलती, ऐसे इंडियन ऑयल जो है ये कंपनी, इसमें भी आपको सुविधाएं मिलती हैं। आपको रहने का भी मिलता है, खाने के लिए भी मिलता है, आप कहीं भेजे जाते हैं तो आपको उसका ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, ठीक है। तो मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलती है, आपके परिवार वालों को मिलती है, सब चीज़ मिलती है इसमें, एज वेल एज गुड एज सरकारी नौकरी, ठीक है बच्चों। तो चलो हम देखते हैं, ऐसा बांध के ना बैठिए कि भाई जो है ना, जब हमें सरकारी मिलेगी तभी हम काम करेंगे, जब हम लेखपाल बनेंगे तभी वही हमारी नौकरी, ऐसा कुछ नहीं जरूरी। आप थोड़ी तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन होता है आप करिए, जॉब करने के साथ साथ भी आप और गवर्नमेंट एग्जाम की, किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करिए। आपके पास में थोड़ा पैसा होगा, आप किताबें भी ले पाएंगे, आप उसके लिए इक्विपमेंट भी जुटा पाएंगे, आपके लिए जो किताबें जो चीज़ चाहिए, लैपटॉप जुटा पाएंगे, हर चीज़ जुटा पाएंगे। तो इसलिए जैसे ही आपने कुछ कर लिया है, कोई डिग्री डिप्लोमा कर लिया है, तो आप नौकरी की तरफ तुरंत बढ़ें, ठीक है, जिससे कि आपको एक्सपीरियंस भी होगा थोड़ी सी। तो ग्लोबल 500 के अंदर ये आती है कंपनी, तो इसमें वैकेंसी आ रखी है। तो देखें किस पोस्ट पर कितनी क्या वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर्थ, ये जो है ना पोस्ट कोड इसका एवन रहेगा, केमिकल इसका डिसिप्लिन रहेगा, ठीक है। तो और इसकी टोटल 32 वैकेंसी है, ठीक है, अन्य जिलों के 16 और इनके लिए अलग अलग, ठीक है। और आपकी जो पेमेंट रहेगी, तो मैंने आपको बता दूं कि 11,900 से शुरुआत होकर 32,000 तक आपकी पेमेंट जाएगी, 11,900 से शुरुआत होकर 32,000 रुपये तक आपकी पेमेंट जाएगी। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट पावर एंड यूटिलिटी के लिए है, पावर एंड यूटिलिटी डिसिप्लिन आपका रहेगा, दो पोस्ट है इसकी। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए, डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल वालों का है, 13 इसकी वैकेंसी। तो टोटल इस तरह 68 वैकेंसी हो जाती है, ठीक है। तो 68 वैकेंसी इसके लिए, थोड़ा सा और आगे देखेंगे अब हम। और रिजर्वेशन हैंडीकैप्ड वालों के लिए और एक्स सर्विसन भूतपूर्व फौजियों के लिए रिजर्वेशन इसमें भी दिया गया है, ठीक है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आपको वैकेंसी की डिटेल्स बताते हुए सारी की सारी डिटेल्स के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। अब देखो, जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर्थ वाले हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, तो इनकी पोस्ट कोड A1 है और आपको चाहिएगा 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन केमिकल रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, या BSc आपकी होनी चाहिए, या फिर आपके पास BSc हो, BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में है या फिर और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपके साथ में 50% मार्क्स भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप SC ST तो आपका 45% मार्क्स भी चल जाएंगे, ठीक है। और आपको जो ना 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। किस में होना चाहिए आपको, पंप हाउस में या फायर हीटर में, कंप्रेशन डिस्टिलेशन में, या कॉलम रिएक्टर में, हीट एक्सचेंजर में, या फिर पेट्रोलियम रिफाइनरी में, या पेट्रोकेमिकल्स में, या फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट में, या हैवी केमिकल में, या गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। आगे देखते हैं, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 पावर एंड यूटिलिटी के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल में होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपका सर्टिफिकेट बॉयलर कंपनी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या फिर, ठीक है। और प्रोवाइडेड केसेस नॉन अवेलेबिलिटी और सफिशिएंट दिस, ये काम की चीज़ नहीं उतनी है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर आपके पास इसके अलावा कुछ और भी चीज़ है, जैसे आपका मैट्रिक हो, आपका 6/12 पास है, ITI अगर आपके पास है बॉयलर से, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। या आपके पास BSc है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर आपने कर रखी है, और आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रखी बॉयलर की, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है।
और देखें इस पोस्ट के लिए क्या है, 3 साल का डिप्लोमा आपके पास मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे इस पोस्ट के लिए। तो कितने ऑप्शन से कुछ भी एक हो जाए तो आप इसके लिए अप्लाई कर दोगे, ठीक है। और आपके फॉर कैंडिडेट प्रोसेसिंग डिप्लोमा या मैट्रिक विद ITI फिटर होल्डिंग बॉयलर कंपनी सर्टिफिकेट और BSc विद बॉयलर नो फर्दर एक्सपीरियंस विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप हो रखी है आपकी, तो आपको जो है ना कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अप्रेंटिसशिप वाले, ITI फिटर वाले आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो, ध्यान रहे तो ITI फिटर वाले भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखेंगे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए क्या, 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम SST और 50% आपके मार्क्स होना चाहिए। अगर आप SST है तो 45% मार्क्स भी चलेंगे। मिनिमम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात होगी एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस किसमें होना चाहिए, ये सारे बैटरी चार्जर गियर्स वगैरह में, न्यूमेरिकल रिले हैवी केमिकल, किसी एक में 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम थोड़ा सा, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 मैकेनिकल के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, ठीक है, या फिर आपके 45% मार्क्स अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो भी चलेंगे। और मैट्रिक विथ ITI इन फिटर ट्रेड अगर आपके पास है, अगर आपने ITI फिटर ट्रेड में कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और ITI फिटर वालों के लिए क्या, अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी तो आपको जो है ना 1 साल के एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और जूनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और किसी इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, कंट्रोल इंजीनियरिंग में हो, 50% मार्क के साथ में होना चाहिए। और SST वालों को 45%, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किस किस डिपार्टमेंट में, कंट्रोल वाल में, स्मार्ट पोजिशनिंग में, लूप कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, इन पेट्रोलियम रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल्स में, हैवी केमिकल फर्टिलाइजर में, पावर प्लांट्स में, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, किसी में भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बात निकल के ये आई बच्चों, जिनके पास ITI सर्टिफिकेट है वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कई चीज़ें उनके लिए ITI फिटर वालों के लिए बढ़िया चीज़ है। जिनके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है उनके पास एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप अगर चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और इसके बारे में हम देखेंगे, डिप्लोमा अंडर रिकॉग्नाइज्ड एंट्री स्कीम सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा कोर्स सेल आल्सो बी एलिजिबल सब्जेक्टेड टू मीटिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स एग्रीगेट इन 4 सेमेस्टर। मतलब कहने के ये, अगर आपका डिप्लोमा का आखिरी साल चल रहा है, जैसे 4 सेमेस्टर है, ठीक है, तो आपका आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, सेकेंड ईयर डिप्लोमा वगैरह चल रहा है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, लेकिन बशर्ते जब आप पास हों तो आपके मिनिमम 50% जो इन्होंने मांग रखे हैं उतने आपके नंबर आने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और जिनके पास BE है या MBA कर रखी है, CA कर रहे, LLB कर रखी है, MCA कर रखी, तो वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं, वो लोग इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे हम देखेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वुमेन कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगी, ठीक है। और रिजर्वेशन भी दिया गया है SC ST OBC वालों को, एज में छूट वगैरह भी जो भी है उनको छूट भी मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा और आगे हम देखेंगे, और 18 साल आपकी जो है ना मिनिमम उम्र होनी चाहिए, और 18 से 26 साल आपकी उम्र जनरल वालों के लिए, ठीक। ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है, SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट है, ठीक है। और फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए 10 साल की छूट है। ये हो गई एज रिलैक्स की बात, ठीक है। थोड़ा सा और हम देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि आपके पास सारी जो क्वालिफिकेशन वगैरह है वो 31 दिसंबर के पहले पहले की होनी चाहिए, 31 दिसंबर 2018 के पहले पहले होनी चाहिए, ठीक है। और आपका क्या होगा, एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपका सिलेक्शन मेथोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, आपका एक रिटन टेस्ट होगा, फिर इसके बाद स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट जिसे कह सकते हो, ठीक है, प्रोफेसी टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, फिर इसके बाद जो है ना आपको मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और मेरिट लिस्ट में जो बच्चे आ जाएंगे वो लोग जो है ना फर्दर इसमें बुला लिए जाएंगे और उन्हीं का जो है ना सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रिटन टेस्ट में मिनिमम 40% नंबर लेके आने हैं। और रिटन टेस्ट क्या होगा, आपका एक नॉर्मल सी चीज़ें पूछी जाएंगी, जो आपने पढ़ रखा है, जो आपने ITI में पढ़ा है, जो आपने डिप्लोमा में पढ़ा, उसी चीज़ें रिलेटेड आपसे पूछी जाएंगी, तो रिटन टेस्ट होगा। और दूसरा आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में आपसे ये लोग काम करा के देखेंगे, जैसे कि आपको क्या आता है, आपका वर्किंग नॉलेज कितना है, आपने कहाँ एक्सपीरियंस जो आपके पास है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, एक रिटन एग्जाम, फिर उसके बाद में आपका एक स्किल टेस्ट जो आपने ITI फिटर में या डिप्लोमा वगैरह में आपने
पूछ आपने सीखा होगा, पढ़ा होगा, उसी चीज़ से रिलेटेड आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो बच्चों ये था इसकी बात, तो आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की वेबसाइट ये है www.iocl.com पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर पाओगे। 7 जनवरी से लगा के 28 जनवरी तक आपके फॉर्म चलेंगे, तो इसमें आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दीजिए। अब थोड़ी आपको डेट वगैरह भी बता देते हैं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। ये देखिए आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 से शुरू है, 28 को ख़त्म है, ठीक है। आपको जो है ना लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ प्रिंटआउट और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना 4 फरवरी 2019 को, ठीक है। और आपको जो है ना टेंटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट आपकी है 17 फरवरी, और इसके बाद अपलोडिंग रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट आपको जो है ना रिजल्ट आ जाएगा 22 फरवरी तक, ठीक है। इसके बाद जो है ना आपको जो आपका वो टेस्ट होगा स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट जिसे कह सकते हो, वो आपका होगा 20 मार्च तक, ठीक है। और आपका जो है ना अप्रैल में 1 अप्रैल को जो है ना आपके जो ना फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे वो लोग जॉब में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात थी सारी की सारी, इन्होंने डेट डिसाइड कर दी है। तो आप अगर इसमें इच्छित हैं, आपके पास जरूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, ये नंबर दे रखा है। ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स का मतलब ये है कि आप जो है ना सुबह आप 10 बजे से शाम के वही 2 बजे तक जो है ना इन्हें फ़ोन कर लीजिएगा। तो ये फ़ोन नंबर आपको दे रखा है, किसी भी कोई समस्या के लिए इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नई वैकेंसी के साथ में। तब तक के लिए वंदे मातरम।